बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन की फैमिली से दुखद भरी खबर सामने आई है। दरअसल कार्तिक आर्यन के मामी और मामा का मुंबई के घाट कोपर होर्डिंग हादसे में निधन हो गया। इस हादसे के 3 दिन बाद कार्तिक आर्यन के मामा मामी के शव की पहचान हो पाई। 13 मई को हुए इस हादसे के बाद जान गंवाने वाले कार्तिक आर्यन के मामी मामा को शव की पहचानना काफ़ी मुश्किल हुआ और उनका गुरुवार को अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। बताते चले कि मुंबई में तेज तूफान की वजह से 13 मई को एक बड़ा होर्डिंग पेट्रोल पंप पर गिर गया, जिसमें कई लोगों की जानें चली गई, कई लोग घायल हुए थे। मुंबई के घाटकोपर इलाके में 13 मई यानी बीते सोमवार को एक होर्डिंग पेट्रोल पंप पर गिर गया था, जिसमें 16 लोगों की मौत, 17 लोगों को घायल बताया जा रहा है। इस हादसे में जान गंवाने वालों में कार्तिक आर्यन के मामा मामी मनोज चंचोरिया और मामी अनीता शामिल हैं। मनोज चंचोरिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल जनरल मैनेजर के पद से रिटायर थे। कार्तिक आर्यन के मामा और मामी शव की पहचान हादसे के 3 दिन बाद यानी 16 मई को हुई। बताया जा रहा है मनोज और उनकी पत्नी अनीता जबलपुर से मुंबई वीजा बनवाने आए थे। दोनों अपने बेटे यश के पास अमेरिका जाने वाले थे। मुंबई से जबलपुर वापस जाते समय अपनी कार से फ्यूल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पर रुके थे और तभी यह हादसा हुआ। कार्तिक आर्यन के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह अपने इन दिनों फिल्म चंदू चैंपियन के प्रमोशन में बिजी हैं, लेकिन इस दुखद खबर को सुनते ही कार्तिक आर्यन अपने मामा मामी के अंतिम यात्रा में पहुंचे। कार्तिक के लिए बहुत ही दुखद घटना है, जिसके लिए भगवान उन्हें हिम्मत दे।